फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक तक हर जगह केजीएफ 2 का टीजर ही छाया हुआ है। लोगों को जिस बेसब्री से टीजर के रिलीज होने का इंतजार था, उसका आलम यह हुआ कि 7 जनवरी को रिलीज हुआ टीजर अब तक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है। इतना ही नहीं, यूट्यूब व्यूज की बात करें तो यूट्यूब पर वीडियो के व्यूज मिनटों के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यश की दीवानगी लोगों में कुछ ऐसी है कि टीजर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। दरअसल केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर इतने कम टाइम में 100 मिलियन व्यूज हासिल करने वाला एक लौता ट्रेलर बन गया है। इस मामले में यश की फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सब को पछाड़ दिया है। इतने कम समय में किसी भी टीजर को इतनी बार नहीं देखा गया। सिर्फ 38 घंटों में ही फिल्म ने 90 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं एवेंजर्स ने सिर्फ 79 मिलियन व्यूज ही हासिल करने में कामयाबी पाई थी। व्यूज के साथ साथ लाइक्स के मामले में भी टीजर ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी के साथ यश की फिल्म के टीजर ने पूरी दुनिया में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। बता दें, लोगों को फिल्म का टीजर इतना पसंद आया कि यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब पर इसे अब तक बहुत ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 100 मिलियन से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। बता दें, केजीएफ 2 साल 2018 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 1 का सेकेंड सीजन है। केजीएफ 1 ने थिएटर्स में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। साथ ही साथ फिल्म में यश की परफॉर्मेंस भी धमाकेदार थी। इस फिल्म को देखने के बाद लोग यश के दीवाने हो गए। अब इस साल केजीएफ 2 को रिलीज किया जाएगा, जिसे लेकर भी फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का टीजर दमदार है, उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म भी दमदार होने वाली है। बता दें आपको, संजय दत्त और एक्ट्रेस रवीना टंडन भी इस फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म में संजय दत्त अधीरा का रोल निभाएंगे, तो वहीं रवीना टंडन एक पॉलिटिशियन के किरदार में नजर आएंगी। आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।